नमस्कार, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, जहां हम आपको नवरात्रि के इस पावन अवसर पर घर बैठे माता के नौ रूपों का दर्शन करवाएंगे और माता के भक्तों तक माता की कहानियां पहुंचाते रहेंगे। कल नवरात्रि का पहला दिन था और माता के सभी भक्तों ने घट स्थापना कर माता का आगमन किया और माँ शैलपुत्री की पूजा की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा अपने दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। उनका यह रूप एक ऐसी कन्या का प्रतीक है जो अपने तप के बल पर अपनी इच्छाओं को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके पूरी करती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दाहिने हाथ में जप माला व बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। यह माना जाता है कि वह भाग्यदाता ग्रह मंगल का नियमन करती हैं। काशी में माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर गंगा किनारे ब्रह्मा घाट के क्षेत्र में स्थित है। माता के अनेक मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी वहाँ हर साल सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती थी, किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते कई लोग बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए आज हम उन्हें माता के ब्रह्मचारिणी रूप का दर्शन घर बैठे करवाएंगे। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए आदिशक्ति की उपासना की थी, जिसके बाद ही इस सृष्टि की रचना हो पाई। जी हाँ, आज हम वाराणसी के ब्रह्मचारिणी मंदिर में खड़े हैं। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पिता ब्रह्मेश्वर का भी शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है या ऐसी मान्यता भी है कि जहाँ पर शक्ति स्वरूपा विराजमान हो वहाँ भगवान शिव भी अवश्य ही होते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन यदि माता ब्रह्मचारिणी को खीर और मलाई का भोग लगाया जाए तो सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को खीर का प्रसाद भोग जो है, मलाई और खीर जो है, ये सबसे पसंद है। इसके भोग लगाने से वो अति प्रसन्न होती हैं और उसका प्रसाद लेने से सब प्रकार की व्याधियां जो है दूर होती हैं। मान्यता अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए हैं और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और भगवान शंकर की आराधना करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिड़ हो गया और देवतागण ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताया। इसके बाद माता की तपस्या परिपूर्ण हुई और भगवान चंद्रमौली शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस समय क्या कि उनसे सृष्टि रचना नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने शंकर जी की तपस्या की कि मतलब कि हम इतनी सृष्टि की मतलब कि रचना करना चाह रहे हैं, लेकिन सृष्टि की उपासना नहीं की, सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो वो उन्होंने शंकर जी ने उपाय बताया ब्रह्मा जी को कि ऐसा है कि मतलब आप ब्रह्मचारिणी की तपस्या कीजिए और उनको प्रसन्न करिए, वो जब प्रसन्न होंगी तब वो जाके सृष्टि की रचना होगी, समझे कि नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो है मतलब ब्रह्मचारिणी की तपस्या की और मतलब क्या कि तपस्या करने के बाद फिर उनसे प्रार्थना की, मतलब माता ये मतलब क्या कि सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है, आप हमारा सहयोग करिए जिससे कि सृष्टि की रचना हो पावे। माता के इस घोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। जो भक्त देवी के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मां के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार,
संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। नवरात्र में दूसरे दिन दर्शन होता है इनका, काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनका मतलब क्या है कि आने से इनके दर्शन करने से धन धान्य सुख रोग बाधा ग्रह बाधा पढ़ाई में कमजोरी ये सब जितनी है जो भी समस्या है नाना प्रकार की समस्या इनकी मतलब दुर्गा पाठ सप्तशती में 700 श्लोक दिए गए हैं। 700 श्लोक उसमें दिया हुआ है कि मतलब क्या है कि अब जो रोग के लिए अलग मंत्र दिया हुआ है, मतलब क्या है बाधा के लिए अलग मंत्र दिया हुआ है और मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र दिया गया है और इनकी उपासना करने से सब प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं कैसे की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में सर्वप्रथम माता को फूल चंपा या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार माता को यह फूल बहुत प्रिय है। फिर अक्षत रोली चंदन से पूजा करें तथा उन्हें दूध दही से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा करने के पश्चात इसी प्रकार नौ ग्रह नगर देवता ग्राम देवता की भी आराधना करें। इसके बाद देवी के मंत्र का आवाहन करें, उनकी पूजा करें और फिर कपूर से देवी की आरती कर पूजा संपन्न करें। इसके बाद आप शाम में भी माता को आरती दिखाकर अपने व्रत को तोड़कर फलहार या ऐसी चीजें जिसमें अन्न ना हो उसका भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से नवरात्र के दूसरे दिन का समापन होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको माता के तीसरे रूप का दर्शन करवाएंगे। इस वीडियो को माता के सभी भक्तों से साझा करें और माँ की भक्ति के रस में डूबे रहें। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।